Standard students, today we'll continue with the second chapter's fourth question exercise. Study the following activity and answer the question. Take two aluminium channels of different length, right? Place the lower end of the channel on the floor and hold their upper end at that same height. Now take two balls of the same size and weight and release them from the top end of the channels. They will roll down and cover the same distance. जैसे ये दो चैनल्स हैं एल्यूमिनियम के, यहाँ से मैंने बॉल रिलीज़ किया और यहाँ से बॉल रिलीज़ किया, तो सेम वो लोग रोल होकर वापस इसी डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे पूछेंगे. तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन का आंसर अपने को देने का है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. एट द मोमेंट ऑफ रिलीजिंग द बॉल विच एनर्जी डू द बॉल्स हैव. बॉल्स को जब बॉल को रिलीज़ करेंगे उस टाइम पे उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. As the ball rolled down, which energy is converted into which other form of energy? Potential energy. Kinetic energy में convert. Potential किस में convert हो रहा है? Kinetic energy. Why do the balls cover the same distance on rolling down? वो same distance क्यों? क्योंकि इसका answer रहेगा because the speed of both ball has same. हाँ, दोनों का speed क्या रहेगा? Same रहेगा. What is the form of evaluation? Kinetic energy. Eventual total energy of ball, kinetic energy. ठीक है. Which law related to energy does the above activity demonstrate? Law of conservation of energy. Conservation of energy. तो ये सबके answers easy है, आप लोग लिख भी सकते हो. पहले का है potential energy, second है potential energy to kinetic energy, third है because of speed of ball is same, and next is kinetic energy, and last law of conservation of the energy. Is this clear? Next. You have to write the question answer of the means you have to solve the questions. मैं आपको इसमें के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है. देन यू हैव टू ट्राई द सिमिलर क्वेश्चन मैं जो दूंगा. अगर हम लोग क्वेश्चन रीड किए रहेंगे तो क्वेश्चन में पावर बराबर दिए है 2 किलोमीटर वॉट. ठीक है, जिसको हम लोग जूल में लिखेंगे 2000 जूल. करेक्ट. उसके बाद हम लोग को टाइम जो दिया है, टाइम कितना बोला है? 60 सेकेंड. एक मिनट मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड्स होता है. ठीक है, हाइट जो बोला, हाइट कितना है? 10 मीटर हाइट है. अपने को पूछा है एम, क्या पूछा है? मास, कितना पानी लेके जा सकते हैं. और जी का फॉर्मूला, तो जी का वैल्यू तो सब जगह सेम रहता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. अभी हम लोग को सबसे पहले इसका पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, तो वर्क का और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट. तो पी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? एम जी एच अपॉन टाइम टी. डब्ल्यू की जगह पे मैंने एम जी एच लिख लिया. ठीक है, अब अपने को जो भी पता है वो पहले वैल्यू. पी का वैल्यू कितना? 2000. एम का कितना है नहीं मालूम. जी कितना है? 9.8. एच कितना है? 10. डिवाइड बाई टी कितना है? 9.8. टी 60 सेकेंड्स. ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो. ये जीरो कैंसिल ना. यस. अब क्या करते हैं, एम इधर ही रहने देते हैं, इन दोनों नंबर को इधर ले लेते हैं. तो एम इज इक्वल टू 2000 × 6 डिवाइड बाई 9.8. जब इन दोनों नंबर को इधर शिफ्ट किया तो 6 ऊपर आ जाएगा, 9.8 नीचे आ जाएगा. बराबर है. तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 12,000 डिवाइड बाय 9.8. करेक्ट. 1224. अभी इसको अगर सॉल्व करना रहेगा तो इसको क्या कर सकते हैं? अभी इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 98. क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, इससे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे का पॉइंट हट जाएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा. अब इसको रफली हम लोग डिवाइड करते हैं. इधर कैसे डिवाइड करते हैं ध्यान से देखो. अब जैसे 98 को 120 से आंसर कितना आएगा? 98 माइनस किया जीरो, सॉरी दो, और इधर क्या आएगा? 11 में से 9 गया 2, फिर जीरो लिया. 98 टू जा लेंगे, 98 टू जा कितना होता है? 196. 10 में से छः गया 4, 11 में से 9 गया 2, 0, फिर से 240 लिया, फिर 92 टू से ही लेंगे, 196 माइनस किया, 10 में से छः गया 4, 13 में से 9 गया 4, हाँ, और इधर 0, फिर 0 लिया, 98 फोर जा लेंगे, कितना लेंगे? 98 फोर जा 392, कितना?
दस में से दो गया आठ, हाँ थर्टीन में से नौ गया फोर और जीरो, मतलब वन टू टू फोर विल बी द आंसर। कितना आंसर रहेगा? तो वन टू टू फोर, सॉरी वन टू टू फोर किलोग्राम। तो दिस विल बी द आंसर। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन पता है वो लिख लो, पी का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, तो एम जी एच अपॉन टी। बाद में जो वैल्यू मालूम है वो वैल्यू रख दिया, ठीक है। बाद में क्या किया, इसको इसको कैंसिल किया, तो एम इधर रख के एम इधर ही रहने दिया, इन दोनों को इधर शिफ्ट किया, तो सिक्स सिक्स ऊपर आ जाएगा, 9.8 नीचे आ जाएगा। सॉल्व किया 12,000 अपॉन 98, 9.8 इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई किया, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 98, ये डिवीजन किया, तो 1224 आंसर आता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज डेली फॉर 30 मिनट्स, हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मतलब 1200 वॉट का इलेक्ट्रिक आयरन है, उसकी कैपेसिटी क्या है 1200 वॉट की, वो 30 मिनट रोज यूज हो रहा है, कितना मिनट? 30 मिनट। तो अप्रैल महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या लिखेंगे आंसर? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपना पावर लिखेंगे, पावर कितना है 1200 वॉट, ठीक है। और अपने को टाइम बोला है 30 मिनट्स पर डे बोला है, 30 मिनट्स पर डे बोला है, बराबर है। तो 30 मिनट्स बराबर है पर डे बोला है, तो 30 मिनट्स एक 30 मिनट्स एक दिन में 30 मिनट, तो अप्रैल में कितना महीना कितना दिन होता है अप्रैल मंथ में 30, तो 30 into 30, ठीक है 30 into 30। और एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 30 मिनट इंटू 30 डेज इंटू 60 सेकेंड्स, क्योंकि अपने को सेकेंड में चाहिए आंसर, किस में चाहिए? तो 30 मिनट 30 दिन, और एक मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 54,000 सेकेंड। कितना आएगा? 54,000 सेकेंड्स। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन टी। पावर का फॉर्मूला क्या? W अपॉन टी। W कितना है? 54,000। yes. पावर कितना है? 1200, बराबर है। yes. और टी कितना है? 54। एक मिनट एक मिनट, रॉन्ग इधर रॉन्ग हुआ, मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो पहला पी लिखेंगे, पी कितना है 1200, डब्ल्यू पता नहीं है, टी कितना है 54,000, ठीक है बराबर है। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1200 इंटू 54,000, करेक्ट है। तो W इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब 10 का पावर एक साथ ले लेते हैं और नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि अपना जो यूनिट है, अपने को यूनिट में आंसर चाहिए, कितना यूनिट कंज्यूम किया टोटल इलेक्ट्रिसिटी, कितना यूनिट कंज्यूम किया वो निकालना है। तो 12 और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 12 और 54 का मल्टीप्लाई करेगा तो 648 आता है। और कितना 10 है? 1, 2, 3, 4, 5। 10 का पावर क्या होगा? 5। हाँ, 12 और 54 का मल्टीप्लाई 648, और कितना जीरो है? 5 जीरो है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 5। अभी अपने को ये आंसर जो है यूनिट में चाहिए, यूनिट में करने के लिए इतना याद रखने का, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना था? 3.6 × 10^6 जूल। तो W को अगर मुझे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 648 × 10^5 को 3.6 × 10^6 में, 3.6 × 10^6 में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? डिवाइड करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? समझा? तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये 10^6 हटाने गए हैं तो 10^6 को ऊपर ले लूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, इस 10^5 को 10^6 में कन्वर्ट करता हूँ। 10^6 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे? एक नंबर पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा? 64.8 × 10^6 डिवाइड बाई 3.6 × 10^6। 10^6 कैंसिल। अब मैं क्या करता हूँ, 3.6 को 36 को 648 से डिवाइड करता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि पॉइंट पॉइंट एक ही है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। 36 डिवाइड बाई 648 कितना आंसर आएगा? 36 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 288 आएगा। 36 8 जा
288. तो आंसर कितना आएगा 18. कितना आंसर आएगा 18 यूनिट. दिस विल बी द आंसर. एक बार वापस समझा तो ध्यान से देखो. सबसे पहले क्वेश्चन रेडी करते हैं हम लोग. क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज यूज डेली 30 मिनट्स, 30 दिन, 1200 वॉट का इलेक्ट्रिक आयरन रोज हम लोग 30 मिनट यूज करते हैं, और तो अप्रैल मंथ में बिल कितना यूनिट कंज्यूम होगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पावर लिखेंगे 1200 वॉट, टाइम कितना है 30 मिनट्स रोज 30 दिन, और कितना मिनट, एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड्स. पावर का फॉर्मूला W/T, 1200 इज इक्वल टू W/54,000. तो W इज इक्वल टू क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा. अभी मुझे क्या करना है, 10 का पावर एक साथ लेना है और नंबर्स को एक साथ लेना है. तो 12 और 54 का मल्टीप्लाई किया तो 648 आता है इंटू 10^5. अब मुझे अगर इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो एक यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, 3.6 × 10^6 जूल. ठीक है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा. 648 × 10^5 को 3.6 × 10^6 से डिवाइड करना पड़ेगा. मुझे अगर यहाँ पे 10^6 लाना है तो 10^6 कैंसिल हो सकता है. 10^6 लाने के लिए यहाँ पे एक नंबर पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, 64.8 × 10^6, और इधर भी 10^6 है, दोनों कैंसिल हो गया, बचा गया 64.8 / 3.6. अभी दोनों का पॉइंट एक ही नंबर के पहले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं. 6.8 / 36 आंसर कितना आएगा, 18 यूनिट विद द आंसर. ओके देन स्टूडेंट, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. मैंने पूरा आंसर्स बताया हुआ है. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू सॉल्व दिस 2 क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर टुडे. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.